रितेश देशमुख करने लगे हैं बड़ी बड़ी डिमांड्स। डिमांड पैसों की नहीं बल्कि कास्ट को डिसाइड करने की। वेल हाँ, आजकल तो रितेश की फिल्म की एक्ट्रेस को भी डिसाइड करने की सजेशन देने लगे हैं। और सोचो, जब रितेश से एक्ट्रेस को चूज करने की बात की जाएगी तो समझने की बात है, उनकी जुबान पर सबसे पहले नाम तो उनकी वाइफी जनीलिया का ही आएगा। खबर आ रही है कि डायरेक्टर साकेत चौधरी, जिन्होंने प्यार की साइड इफेक्ट्स बनाई थी, उन्होंने अप्रोच किया रितेश देशमुख को फॉर अ रोम कॉम। रितेश देशमुख ने फिल्म के लिए हाँ तो कह दिया, पर साथ ही रख दी एक शर्त। उन्होंने सजेस्ट किया जनीलिया डिसूजा का नाम। As according to Ritesh, Janelia के लिए ये रोल था apt। जब हमने Janelia के करियर किटी पर नजर डाली तो हमें पता चला कि Janelia के हाथों से एक एक करके फिल्में और ब्रांड्स निकलते जा रहे हैं। उनकी किटी में हरमन बवेजा के ऑपोजिट इट्स माई लाइफ फिल्म के अलावा और कुछ नहीं है। बीच में there were talks going on about Hook या Crook, पर कुछ इश्यूज की वजह से जॉन Janelia की ये फिल्म भी शेल्व हो गई। ऐसे में रितेश ही बन सकते हैं जनीलिया के सपोर्ट सिस्टम। जनीलिया के डूबते करियर को बचाने के लिए रितेश ने अपने डायरेक्टर को दे दी है ये सलाह कि इस फिल्म के लिए जनीलिया एप्ट है। और सुनने में आ रहा है कि साकेत ने इसके लिए हामी भी भर दी है। इवन इफ रितेश, आपने जनीलिया को फिल्म में लेने का सोचा है, पर उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी जनीलिया के साथ पिछली दो फिल्में तुझे मेरी कसम और तेरे नाल लव हो गया तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। वी कैन होप इस फिल्म के साथ ऐसा ना हो। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। हाय, दिस इज उमर कुरैशी। सब्सक्राइब टू जूम टीवी चैनल ऑन यूट्यूब एंड गेट फ्रेश बॉलीवुड न्यूज एंड एंटरटेनमेंट।